Hello students. So this is Neha Soni from Bharti Group of College. अभी हम पढ़ने जा रहे हैं subject है PPS, जो भी tech अभी जो new course चला है second sem पे है. तो आज हमने last class में last lecture हमने पढ़ा था about arrays. हम उसी arrays को हम continue करेंगे. तो बेसिकली अगर हम इसको रिकॉल करें कंसेप्ट को, तो एरे क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स. ओके, मतलब एक ही डेटा टाइप के आप बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को एक जगह स्टोर करके रख सकते हो. दैट इज कॉल्ड इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन. ओके, इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो उसको हम बोलते हैं एरे. एरे आपका जो है वो तीन तरीके से क्लासिफाई होता है. सबसे पहले है आपका 1D एरे, देन 2D एरे, देन आपका मल्टी डायमेंशनल एरे. तो सबसे पहले हमने एरे के बारे में जो पढ़ा था वो यही था. उसके बाद हमने देखा था कि 1D एरे को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं. 1D एरे क्या होता है? इट इज लाइक एक सिंगल डेटा कंटेंट, सिंगल सेट ऑफ डेटा कंटेंट करके रखना है, जिसको हम बोलते हैं 1D एरे. सिंगल सेट अगर मैं बोलूँ तो आपका क्या रहेगा? लाइक दिस. ओके, ये आपका रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करता है. तो क्या हो गया, आपका 1 × नंबर ऑफ रोज आप जितना भी रखना चाहो, दैट इज कॉल्ड 1D एरे. तो ये सिंगल सेट ऑफ डेटा कंटेन करके रखे रहता है. अगर हम इसको इनिशियलाइज करेंगे, एरे को हम सिंपली इनिशियलाइज जो करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले हम डेटा टाइप देते हैं कि आप कौन से डेटा टाइप को यूज़ कर रहे हो. हम डेटा टाइप्स के बारे में भी पढ़े थे कि डेटा टाइप्स बेसिकली दो टाइप में डिवाइड होता है. वो है आपका इनबिल्ट रहता है और दूसरा होता है यूजर डिफाइंड. इनबिल्ट वो डेटा टाइप होता है जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, बेसिक नीड, मतलब आपको अलग अलग डेटा टाइप्स डिफाइन करना है, और यूज़र ये यूज़र अपने अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हैं. तो इनबिल्ट डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वॉइड, ये सब आपके किस में आते हैं? इनबिल्ट डेटा टाइप पे. अगर मैं यूज़र डिफाइंड बोलूँ तो यूज़र डिफाइंड में आपका स्ट्रक्चर हो गया, एरेज हो गया, पॉइंटर्स हो गया, एनुमरेटेड हो गया, यूनियन हो गया. तो ये सारी चीज़ें आपके किस में आती है? यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स की. यूज़र अपने अकॉर्डिंगली साइज या डेटा टाइप जो उनको यूज़ करना है वो हम डिफाइन कर सकें. तो हम जब एरेज की बात कर रहे थे, तो एरे क्या है? आपका यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. एक ही डेटा टाइप हम यूज़ करेंगे, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे एक साथ यूज़ करते हैं. तो अगर मैं इसको इनिशियलाइज करने की बात करूँ, तो सबसे पहले हमको डेटा टाइप लिखना है कि आप कौन से डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हो. ओके, इट मे बी आइदर इंटीजर, इट मे बी आइदर फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, आप जिस भी टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना चाहो वो आपका ये डेटा टाइप हो गया. देन आपका ये an जो लिखा है वो एरे का नाम है. जो वेरिएबल नेम हम बोलते हैं, जब अगर मैं सिंगल डेटा यूज़ करती हूँ ना, जैसे int x, int y, इस तरीके से अगर मैं बोलती हूँ तो वो क्या वेरिएबल नेम, x क्या है वेरिएबल नेम, और int आपका क्या है डेटा टाइप. यहाँ पे हम वही एरे नाम दिया. एरे नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, आइदर मैं सिंगल डिजिट, सिंगल वर्ड, x सिंगल लेटर, और आइदर यू कैन यूज सिंगल वर्ड. तो ये आपका एरे नेम हो गया. और ये आपका क्या है, साइज, कि आपको पर्टिकुलर कितने साइज का एरे की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पे उसका साइज बताते हो. तो ये आपका 1D, और एक नॉर्मल हम एरे को डिक्लेयर करते हैं तो इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं. 1D एरे की बात चल रही थी. अब हम बहुत सारे मेथड से हम उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं. हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम चार अलग अलग मेथड से डेटा को इनिशियलाइज करने का मेथड देखे थे. देन हमको अगर असाइन करना है वैल्यू, ओके, अब हमको क्या करना है, एरे पे असाइन करना है वैल्यू यूजिंग अ प्रोग्राम. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखिए, आप int x, int x साइज 5, ये आपका क्या है डेटा टाइप हो गया, ये आपका क्या है एरे का नाम हो गया या वेरिएबल नेम, और ये आपके एरे का साइज है. और हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है, दैट इज i ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. अब हम क्या कर रहे हैं, लूप लगा रहे हैं, क्योंकि एरे को आपको रीड करना है. क्योंकि आपको, आपके पास ऐसा कुछ गिवन डेटा है, आपको एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद रीड करना है. तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक लूप लगाए हैं, फॉर लूप. फॉर लूप में आपका जो हमने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया है i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, मतलब i की वैल्यू अभी इनिशियलाइज पे 0 है, 0 पोजीशन पे. i की वैल्यू कब तक चलेगी, 5th तक चलेगी, जब जो आपके एरे का साइज है. और i की वैल्यू, एक एक वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है.
तो ये आपका फॉर लूप है, उसके अंदर हम लिख रहे हैं scanf। हम कीबोर्ड से एंटर देंगे एरेज की वैल्यूज को, हम कीबोर्ड से एंटर कराएंगे। अलग अलग तरीके हैं, आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे int set 5 लिखा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यू दे सकती हूँ अपने प्रोग्राम में, या मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे एक एक करके अपने वैल्यूज को एरे पे इनिशियलाइज कर सकती हूँ। तो उसके लिए हमने जो यूज किया है ये है ampersand, दैट इज स्ट्रिंग फॉर्मेट। स्ट्रिंग फॉर्मेट किसका है? इंटीजर डेटा टाइप का। जब हम इंटीजर की बात कर रहे हैं तो ampersand लेते हैं, अगर मैं फ्लोट की बात करती हूँ तो ampersand है फोल्ड, उसके लिए एफ यूज करूंगी, एफ साइन इंस्टेड ऑफ डी। अगर मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ तो मैं वहाँ पे सी यूज करूंगी, स्ट्रिंग की बात कर रही हूँ तो वहाँ पे मैं एस यूज करूंगी। तो आपके इस डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपका स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे एंड एक्स ऑफ आई, मतलब ये आपको एड्रेस कर रहा है कहाँ पे, एक्स ऑफ आई, ये आपका एक्स है, ये एरे का साइज है, एक्स है, एरे का नाम एक्स, तो आई जीरो पोजिशन की वैल्यू, देन आई आपका क्या होगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, है ना। सपोज अभी आपका क्या है, आई की वैल्यू क्या है, जीरो। अब यहाँ पे जीरो पोजिशन पे एक्स ऑफ जीरो हमने वैल्यू वहां पे इंसर्ट की 11। अब ये क्या है आपका लूप क्या चलेगा, फिर यहाँ पे जाएगा, अब आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। अब 1 इज लेस देन 5, ओके, आई प्लस प्लस यहाँ पे होगा, ओके। फिर यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए ampersand, उसके बाद यहाँ पे पोजिशन हो जाएगा, पहले x ऑफ 0 था, अब x ऑफ 1 पे हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, 2। यहाँ पे आपकी आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो आई की वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो गई। इस तरीके से कब तक चलेगा, जब तक आपका एरे का साइज यहाँ पे वो नहीं हो जाता। तो इस तरीके से हम क्या है वैल्यू को असाइन करते हैं एरे पे, 1D एरे की बात कर रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब उस वैल्यू को हमको सपोज रीड करनी है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है इंटीजर टाइप, आपका ये एरे का नेम, वेरिएबल नेम, उसका साइज 5, और एक लोकल वेरिएबल लिया हमने आई। अब अगेन यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया, आई की वैल्यू हमने इनिशियल कंडीशन दी, कब तक ये आपका लूप चलेगा वो बता रहे हैं, और ये इंक्रीमेंट फैक्टर बता रहा है। अब आपको ampersand भी मैंने बताया था स्ट्रिंग फॉर्मेट कन्वर्शन है, जो हर डेटा टाइप के लिए अलग रहता है, और एक्स ऑफ 5 मतलब एक्स ऑफ 0 का वैल्यू रीड करेगा, देन एक्स ऑफ 1 का वैल्यू रीड करेगा, ऐसे करके वो एक्स ऑफ 5 तक का वैल्यू आपका रीड करके बताएगा कि हम वैल्यूज को कैसे हम रीड करेंगे और कैसे हम इनिशियलाइज करेंगे। तो अभी हमने देखा 1D एरे, अब हम देखते हैं 2D एरे। 2D एरे आपका कुछ नहीं, इट इज सिमिलर लाइक अ मैट्रिक्स हम जो बनाते हैं उसी तरीके से रहता है, सिमिलर टू मैट्रिक्स विद मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, है ना। 2D एरे को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, सेम एरे का पहले जो डिक्लेरेशन है वही है, बट उसमें हम क्या कर रहे थे, एरे का एक ही साइज रहता था। अभी यहाँ पे आपका डेटा टाइप रहेगा, आपका वेरिएबल नेम जो एरे नेम के नाम से है, ये है आपका रोज का पार्ट, और उसके बाद है आपका कॉलम का पार्ट, मतलब आपको रोज और मल्टीपल रोज और कॉलम रहेगा, तो आपको मल्टीपल रोज और कॉलम को यहाँ पे बताना पड़ेगा। सपोज एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैंने इंटीजर डेटा टाइप लिया है, आपका वेरिएबल का नेम है मार्क्स, यहाँ पे आप देखो 10 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2D एरे को इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। अब मैं 2D एरे पे अपने वैल्यू को क्या करना है, असाइन करना है, तो कैसे करूंगी। सपोज मेरे पास ये एक आपका 2D एरे है मैट्रिक्स फॉर्म पे 3×3, तो आपका ये वाला पार्ट जो है वो रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऊपर वाला पार्ट आपका क्या है, कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया इंटीजर डेटा टाइप का, आपका एरे का नाम है RC, और उसके बाद वो है 3×3 का मैट्रिक्स। तो अगर मेरे को वैल्यू मेरे को देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो R ये जो है आपका RC ऑफ 0000, मतलब ये 0 पोजीशन, और ये 0 पोजीशन पे आपकी वैल्यू क्या है, 11। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू रीड करते हैं। सबसे पहले आप किसका लिखोगे, यहाँ पे रो का, रो R0, और ये आपका C0 की वैल्यू है। सिमिलरली RC ऑफ 01, मतलब ये आपका क्या है, R0 ही है। इस वाले रो की वैल्यू हमको रीड करनी है, R0 C0 की वैल्यू 11, R0 C1 की वैल्यू 22। तो यहाँ पे उसका क्या पोजीशन हो गया, 01। तो ये आपका 0th रो है, 012, और ये आपका 012। तो 00 की वैल्यू 11, 01 22, 02 33। ओके, सिमिलरली अगर वैसी बात करूं
तो यहाँ पे अगर रो वन पे अगर आ गए तो 10 की वैल्यू आपकी क्या है 44, फिर 11 की वैल्यू क्या है 0, फिर 12 की वैल्यू क्या है 55, लास्ट में सेकंड रो पे आए तो 20 की वैल्यू क्या है आपकी 0, 21 की वैल्यू क्या है 2 और 22 की वैल्यू क्या है 4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वैल्यू को असाइन करते हैं 2D एरे पे और इसके बाद हम देखते हैं कि इसको इनिशियलाइज करने के और क्या मेथड्स हैं। तो अभी हमने देखा कि हमने वैल्यू कैसे असाइन करनी है। अगर मैं इनिशियलाइज करने की बात करूँ तो कैसे हम वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, सपोज मैं अलग अलग मेथड्स आपको बताती हूँ। मेथड वन, यहाँ पे मैंने देखो इंटीजर डेटा टाइप लिया है, RC हमारा एरे नेम है, ऑफ साइज 3:3 का मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। तो हम ऐसे डायरेक्टली वैल्यूज दे सकते हैं, 3:3 मतलब आपके 9 वैल्यूज आएंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, आपके 9 वैल्यूज को रिप्रेजेंट किए। तो अब आपको ऐसे वैल्यूज को मैंने तो लिख दिया, अब समझ में कैसे आएगा कि कौन से पोजिशन के लिए कौन सी वैल्यू असाइन है। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो ये आपका जो रहता है वो रो बाय रो वैल्यू रहता है। क्या रहता है, रो बाय रो वैल्यू, मतलब जैसे सपोज आपका एक मैट्रिक्स है तो ये वाला पार्ट आपका रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ये वैल्यूज असाइन हुई है रो बाय रो हुई है। ओके, तो सबसे पहले रो पे, रो 0 पे आपका वैल्यू क्या है 11, 22, 33, ये आपका क्या हो गया रो 1 की वैल्यू। अगेन आपके पास जो वैल्यू दी है 44, 0 और 55, तो रो 1 की वैल्यू क्या हो गई 44, 0 और 55। उसके बाद आपकी वैल्यू दी हुई है 0, 2, 4, तो आपका यहाँ पे आ गया थर्ड रो पे 0, 2, 4। तो इस तरीके से अगर एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है तो आप कैसे समझेंगे कि कौन सी वैल्यू किस पोजीशन के लिए है। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो वो रो बाय रो वैल्यूज आपकी लिखाती है। उसके बाद हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, मेथड देखते हैं। अगेन डेटा टाइप RC 3:3 का मैट्रिक्स है, हम जो ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं अब हम क्या कर रहे हैं उसको सेपरेटली रिप्रेजेंट किए हैं यूजिंग आपका जो ब्रेसेस है उससे रिप्रेजेंट किया है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक रो में इतनी वैल्यू, इस रो में एक रो में इतनी वैल्यू और एक रो पे इतनी वैल्यू, तो उसको हमने सेपरेटली यहाँ पे डिफाइन किया है। तो इनिशियलाइज करने के आपके 4 अलग अलग मेथड्स हम यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहला मेथड है कि अगर मैं इस तरीके से वैल्यू को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि आपका मैट्रिक्स की वैल्यूज कौन से पोजीशन में है कैसे पता चलेगा। तो ये वाला जो फॉर्म है वो रो बाय रो के टर्म्स में हम लिखते हैं, तो 0, 0 पे ये, 0, 1 पे ये और 0, 2 पे ये। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सेकेंड वाले की, तो हम क्या कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस पे उसको अलग अलग वो कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब देखते हैं थर्ड, अगर थर्ड वाले पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपकी रो की साइज नहीं बताई और कॉलम की साइज यहाँ पे बताई। ओके, अगर मैं यहाँ पे आपके रो की साइज नहीं बताई और कॉलम की साइज बताई और यहाँ पे मैंने सेम ये अबव वाला लिखा, ओके कर्ली ब्रेसेस से जो अलग अलग है वो मैंने वैल्यू लिखी, तो रन टाइम पे उनको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने रोज हैं। ओके, ये वाला चीज देखिए कि मैंने यहाँ पे रो की साइज नहीं बताई बट कॉलम की साइज यहाँ पे मैंने आपको बताई है और मैं उसके बाद जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हूँ, ओके ये जो वैल्यू इनिशियलाइज कर रही हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रो की साइज कितनी रहेगी। फोर्थ मेथड है आपका क्या है कि एंड RC 3:3 और मैंने फिर यहाँ पे एक वैल्यू, देन यहाँ पे 3 वैल्यू और यहाँ पे अगेन एक वैल्यू, तो इस तरीके से वैल्यू दिया। तो आप कैसे समझ में आएगा कौन से पोजीशन में किसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं इस 3:3 की मैट्रिक्स की बात करूँ तो आपका वैल्यू कैसे रहेगा, यहाँ पे ये आपका 0, 1, 2, R0, R1, R2 और ये आपका C0, C1 और C2। अगर पहले पोजीशन की बात करूँ 33, मतलब आपका ये जो वैल्यू है रो बाय रो रहता है 33, मतलब R0 और C0 की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 33। अगेन आप देखो नेक्स्ट वाला जो आपका कर्ली नेक्स्ट ब्रेसेस पे दिया है 0, 55, 0, मतलब आपका सेकंड रो की वैल्यू है 0, 55, 0 और लास्ट में आपका दिया है 0, मतलब सारे वैल्यूज आपके क्या है 0। तो
तो इस तरीके से आप क्या है मैट्रिक्स को बता सकते हो कि कौन से पोजीशन पे क्या वैल्यू इनिशियलाइज होती है। इसके बाद हम देखते हैं, अब हम देख रहे हैं कि वैल्यूज को अगर मुझे असाइन करनी है, अभी लास्ट में हमने सबसे पहले डिक्लेरेशन देखा, फिर इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखा, अब हम देख रहे हैं कि अगर मुझे वैल्यू क्या करनी है, असाइन करनी है 2D एरे पे, तो मैं कैसे करूंगी। तो उसके लिए आप लूप चलाएंगे, ऑब्वियसली आप कीबोर्ड से एंट्री दोगे तो आप कैसे उसको वैल्यूज को कैसे कौन से पोजिशन पे कौन सी वैल्यूज आएगी, तो उसके लिए हम लूप चला रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो int rc, ये आपका एरे हो गया 2D एरे ऑफ 3 रो और 3 कॉलम। देन हमने लोकल वेरिएबल्स बताया i और j, ओके okay? i एक लूप चल रहा है और एक j लूप चल रहा है, क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म है, आपको दो वैल्यू को एक साथ क्या करना है, आगे पीछे इंक्रीज करना है। तो अब हम क्या चला रहे हैं, i इज इक्वल टू 0, i इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3 प्लस प्लस i, फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3 प्लस प्लस j। उसके लिए हम स्कैन है d, अगेन ये स्ट्रिंग फॉर्मेट कन्वर्शन है, और यहाँ से एंड से एड्रेस कर रहा है किसको, rc को। यहाँ पे ये टास्क आपका rc पे चला जाएगा, एड्रेस कर रहा है, और पर्टिकुलर पोजीशन पे जब i की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 है, तो अब हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, सपोज 11, अगेन आपका टास्क चला जाएगा फॉर लूप पे, आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1, j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 1, तो अब आपका वैल्यू क्या हो जा रहा है यहाँ पे 1 पे आपकी क्या वैल्यू आएगी, इस तरीके से आपका क्या है j चलेगा, ओके और i चलेगा। तो यहाँ से हम वैल्यूज क्या है उस पे पुट करते हैं, और जब मुझे रीड करना रहेगा तो सेम यही टास्क रहेगा, बस स्कैन ऐप की जगह हम क्या करेंगे प्रिंट ऐप लिखेंगे, और हम ये जो कमांड है rc ij, मतलब हर पोजीशन की वैल्यू आपकी यहाँ से रीड हो पाएगी। अब हम देखते हैं कि एरेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो एरेज के एडवांटेजेस ये है कि हम क्या करते थे, जैसे सेम डेटा टाइप का हमको यूज करना है, जैसे इंडेक्स y z, इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया, अगर इसी चीज को मैं int x और यहाँ पे एरे की साइज 3 डिक्लेयर कर दी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू इनिशियलाइज करना है, x इज इक्वल टू 10, ओके y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू 30, तो अलग अलग वेरिएबल करना है, होल्ड करके रखना है, तो आपका क्या है प्रोग्रामिंग क्या है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो एरे यूज करने से हमको क्या होता है, जो प्रोग्रामिंग का लेंथ है वो रिड्यूस हो जाता है, बेटर कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम, कंट्रोल हम अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो नेम्स हैं वो कम हो जाता है, तो कन्फ्यूजन कम होता है। तो हम एरे का एडवांटेजेस पे एक ये चीज आ सकता है, कोडिंग हमको सिंपल होती है, एफिशिएंट होती है और क्लियर रहती है, ओके okay? तो सबसे पहले क्या करता है, रिड्यूस करता है नंबर ऑफ कोडिंग लाइंस को। दूसरा ये है कि हमको क्या है कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो अच्छे से हो जाता है, कोडिंग आपकी सिंपल रहती है और क्लियर रहती है, और लार्जर सेट ऑफ डेटा को सिंपल डिक्लेरेशन पे हम यूज कर सकते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं कि हमको जो बाउंड्री पार्ट है उसको हमको हमेशा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि जो एरे का अगर हम बाउंड्री, मैंने स्टार्टिंग इसके पहले थ्योरी पे क्लास पे बताया था कि अगर मैं इनिशियलाइज कर रही हूँ 3 और मैं x और 4 की वैल्यू वहां पे पुट कर रही हूँ, तो ये आपके कंपाइल टाइम पे आपको एरर नहीं दिखाएगा, बट रन टाइम पे आपको एरर दिखाएगा। तो इस चीज को हमको चेक करना, बाउंड्री को चेक करना बहुत ही कंपल्सरी है। प्रोसेसिंग टाइम जो है इंक्रीज होगा जब हम लास्ट डेटा के साथ यूज करेंगे, ओके क्योंकि इट विल इंक्रीज मेमोरी। और एरे एलिमेंट हमेशा स्टार्ट होता है आपका 0 से, ना कि 1 से, 0 और 0 नॉट 1, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखना कि आपका जो एरे है वो हमेशा आपकी वैल्यू 0 पोजीशन से स्टार्ट होती है, ना कि 1 वैल्यू से स्टार्ट होती है। कैरेक्टर एरे का जो भी साइज है हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं एक कैरेक्टर साइज यहाँ पे डिक्लेयर कर रही हूँ, और हमको इस कैरेक्टर साइज में लास्ट वैल्यू जो है वो हमको छोड़नी रहती है, वो नल वैल्यू होल्ड करके रखता है कैरेक्टर एरे, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना रहता है।
और वन वेरिएबल फॉर कंट्रोल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, हमको एक ही वेरिएबल का नाम चाहिए रहता है फॉर होल कंट्रोल स्ट्रक्चर इन वन डी एरे, और टू वेरिएबल फॉर कंट्रोलिंग टू स्ट्रक्चर। हमने अभी देखा था जब वैल्यू असाइन कर रहे थे तो हम अगर वन डी की बात किए थे हमने सिर्फ आई की वैल्यू ली थी क्योंकि हमको एक ही वेरिएबल को होल्ड करके वैल्यू आगे बढ़ानी थी। जब हम टू वेरिएबल लिए, मतलब यहाँ पे आपका रो और कॉलम टू लिए, तो उसमें हमको दो अलग अलग वेरिएबल की रिक्वायरमेंट थी तो वैल्यू को होल्ड करके रखने के लिए। तो ये आपका एरे का कंसेप्ट है और आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।